नमस्कार दोस्तों, आज हम एक धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित विंध्याचल में जाने वाले हैं, जहां माँ विंध्यवासिनी की मंदिर है। मंदिर से जुड़ी सारी बातें बताएंगे। विंध्याचल धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध शहर है। यहां विंध्यवासिनी देवी की मंदिर है। मनकंडे पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी ने महिषासुर का वध करने के लिए अवतार लिया था। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थल पर तट करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। स्टेशन से, किसी भी रेलवे स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ के मिर्ज़ापुर स्टेशन या वहाँ के नज़दीकी स्टेशन विंध्याचल उतर सकते हैं। विंध्याचल उतरने के बाद वहाँ से आप पैदल या ऑटो पकड़ के आप विंध्यवासिनी देवी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जो आप मंदिर के नज़दीक या अगल बगल आप अपने बजट के अनुसार अपना होटल ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता से लेकर हाई बजट तक है। हालांकि मंदिर का अभी काम चल रहा है, चारों तरफ से रास्ता चौड़ा हो रहा है। मंदिर की डिज़ाइन में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो कि पहले से बहुत ही सुंदर लगे हैं। अभी 2 साल इन्हें पूरा होने में वक्त लगेगा। माता के दर्शन करते वक्त आप सीधे मंदिर के रास्ते से होते हुए मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत से दुकानें मिलेंगे जिसमें पूजा की सामग्री मिलती है, और बहुत से बाबा जी भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हम मंदिर में पूजा करवा देंगे, बहुत लाइन है, या आपको VIP गेट से हम एंट्री करवा देंगे। आप किसी भी स्थिति में किसी के चक्कर में ना पड़े, खुद ही जाए। यह दोनों गेट एक ही रास्ते में जाके ख़त्म होती है, जहां माँ की गर्भगृह है। आप माता के दर्शन करके मंदिर के ऊपर जाके आप चक्कर लगा सकते हैं, जहां माता की गर्भगृह के ऊपर जो गुमनामे बने हुए हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है। हालांकि गर्भगृह तक पहुंचने में आपको 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। उसके पहले आप चाहे तो माता के मंदिर के अगल बगल के सारे दृश्य देख सकते हैं, जहां बहुत सारे देवी देवताओं विराजमान हैं। ये मंदिर के ऊपर की भाग है, जहां माता के दर्शन होने के बाद आप ऊपर ही चक्कर लगा सकते हैं और अपने माथे ठेक सकते हैं। गर्भगृह में कोई भी फ़ोटो खींचना या कैमरा अलाउ नहीं है, जिसके चलते हम आपको गर्भगृह के अंदर के दृश्य दिखा नहीं पाए। ये ऊपर आप इस दीवार पे माँ भी लिख सकते हैं, अपना मन में जो भी है वो यहाँ कह सकते हैं, और इस मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं। हमने तो अपनी चक्कर पूरी कर ली। विंध्यवासिनी माता के दर्शन होने के बाद आप वहां से ऑटो या रिक्शा लेकर सीधे कालीखोर मंदिर माता के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। काली माता के दर्शन होने के बाद वहां से आप अगली पॉइंट के लिए निकल सकते हैं, जो कि अष्टभुजा देवी की मंदिर है। कोई पंडित जी मूर्ति के सामने अगर कहता है कि आप यहां बैठिए, हम आपको पूजा करवाते हैं, बिल्कुल भी उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप उसके चक्कर में बैठ गए या पड़ गए तो आपके पॉकेट पूरा अच्छी तरह से वो खाली कर लेगा। मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप इन सब चीज़ों से बचें और सीधे जाए माता के सामने हाथ जोड़े, अपनी मनोकामनाएं माता को बताए और आगे की ओर प्रस्थान करें। अष्टभुजा देवी के दर्शन करने के बाद आप वहीं से पतला मार्ग होते हुए सीधे सीता कुंड तक पहुंच सकते हैं, जो कि रास्ते में बहुत ही सुनहरा और मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। ऊपर से ही आप
पूरे गंगा नदी को भी देख सकते हैं। छोटी सी हमारी प्रयास जो आप लोगों तक पहुंचाना था। मिलते हैं अगले वीडियो में।